प्रिय विद्यार्थियों, आज हमारा टॉपिक है उर्वरक, फर्टिलाइजर। हमने पोषक तत्वों के बारे में पिछली क्लास में चर्चा की थी, खादों की बात भी की थी हमने, मैंने उस खादों की बात भी की थी, और अब हमारा टॉपिक है फर्टिलाइजर, उर्वरक। पौधों को एक्चुअल में उर्वरक क्या होते हैं पहले बता दूं आपको मैं। उर्वरक जो है वो रासायनिक पदार्थ है जो पौधों को प्राथमिक पोषक तत्व आपूर्ति के लिए दिए जाते हैं। प्राथमिक पोषक तत्वों के लिए ही होते हैं उर्वरक। वो अलग बात है कि उनमें प्राथमिक पोषक तत्वों के अलावा भी कोई सहायक पोषक तत्व हो सकता है, द्वितीयक पोषक तत्व हो सकता है, सूक्ष्म पोषक तत्व हो सकता है, लेकिन जो सबसे इंपॉर्टेंट मुख्य बात है, उर्वरकों को प्राथमिक पोषक तत्वों के लिए दिया जाता है। वो प्राथमिक पोषक तत्व कौन से हैं? एन, पी, के, नाइट्रोजन, फास्फोरस और पोटास। तो हम इन तीनों ही उर्वरकों के बारे में, नाइट्रोजन, फास्फोरस और पोटास को किस किस रूप में कैसे कैसे दिया जा सकता है, क्या क्या इनकी अलग अलग नेचर होती है, अलग अलग मृदाओं में अलग अलग प्रकार के, अलग अलग फसलों में अलग अलग प्रकार के, क्योंकि ये अलग अलग अवस्थाओं में पाए जाते हैं। कोई किस अवस्था में दिया जाएगा, किसी को जो है कम मात्रा में कंसंट्रेट होते हैं, कभी किसी में ज़्यादा कंसंट्रेट होते हैं। इन सब चीज़ों को लेकर अपन आज चर्चा करेंगे उर्वरकों के बारे में, फर्टिलाइजर के बारे में। और सबसे पहले हम पढ़ेंगे उर्वरकों का क्लासिफिकेशन, और क्लासिफिकेशन कई तरीके का पढ़ेंगे, और उनमें सबसे पहले तरीके का जो क्लासिफिकेशन है वो है पोषक तत्वों की परसेंट मात्रा के आधार पर, प्राथमिक पोषक तत्वों की, क्योंकि उर्वरक तो प्राथमिक पोषक तत्वों के लिए ही दिए जाते हैं। एन, पी, के तीन ही प्राथमिक पोषक तत्व होते हैं, वो तीनों के लिए उर्वरक दिए जाते हैं। तो प्राथमिक पोषक तत्वों की परसेंट के आधार पर हमने उर्वरकों का वर्गीकरण किया है और उनको दो भागों में बांटा है। ऐसे पोषक तत्व जिनमें प्राथमिक पोषक तत्व की मात्रा 25% से ज्यादा पाई जाती है उनको तो सांद्रित कहेंगे, क्या कहेंगे, उच्च विश्लेषक कहेंगे या सांद्रित कहेंगे, उच्च विश्लेषक, हाई एनालिसिस फर्टिलाइजर। जिनमें प्राथमिक पोषक तत्वों की मात्रा 25% से ज्यादा पाई जाती है, और ऐसे पोषक तत्व जिनमें प्राथमिक पोषक तत्वों की मात्रा 25% से कम पाई जाती है उनको न्यून विश्लेषक उर्वरक श्रेणी में रखा गया है, न्यून विश्लेषक उर्वरक की श्रेणी में रखा गया है। तो पहले हम उच्च विश्लेषक उर्वरकों की बात करते हैं जिनमें प्राथमिक पोषक तत्वों की मात्रा 25% से ज्यादा पाई जाती है। देखो आप कौन कौन से होते हैं, यूरिया, इनको सांद्र उर्वरक भी कहते हैं क्योंकि इनमें 25% से ज्यादा प्राथमिक पोषक तत्व होते हैं। यूरिया भलीभांति जानते हो, 46% नाइट्रोजन होती है, कौन सा हो गया, उच्च विश्लेषक, 25% से ज्यादा। डीएसपी, डबल सुपरफास्फेट, ये तीन होते हैं एक्चुअल में, एक तो सिंगल सुपरफास्फेट, एक डबल सुपरफास्फेट, एक ट्रिपल सुपरफास्फेट होता है। तो सिंगल सुपरफास्फेट में तो 16% फास्फोरस पाई जाती है इसलिए वो तो इसमें आएगा नहीं, डबल सुपरफास्फेट में 34% होती है तो ये इस श्रेणी में आएगा, और ट्रिपल सुपरफास्फेट में 46 से 48% होती है और जो भी इसमें आएगा। इस प्रकार से ये तो दोनों फास्फोरस वाला, एक नाइट्रोजन वाला। इसके बाद डीएपी, डाई अमोनियम फास्फेट, जिसमें फास्फोरस की मात्रा 46% पाई जाती है, हालांकि इसमें नाइट्रोजन भी होता है, नाइट्रोजन तो कम मात्रा में होता है, नाइट्रोजन के लिए नहीं बल्कि फास्फोरस के लिए जो 46% है उसकी बात करिए यहाँ पर डीएपी में। ऐसे एमओपी, म्यूरेट ऑफ पोटास, क्या नाम है, पोटेशियम क्लोराइड भी कहते हैं इसको, करेंगे बात अपन आगे, केसीएल को ही म्यूरेट ऑफ पोटास कहते हैं, और उसमें 58% कितनी, 58% होती है पोटास, कितनी होती है, 58% होती है पोटास। ऐसे ही सल्फेट ऑफ पोटास, K2SO4, उसमें भी पोटास 48% होता है। ये सारे उर्वरक उच्च विश्लेषक है क्योंकि ये सब में प्राथमिक पोषक तत्व एन, पी, के तीन ही तो है, एन फिर पी फिर के, है तीन ही है, तीनों की बात करेंगे अपन, वो सारी ही 25% से ज्यादा है। देख लो आप 46 34 48 46 58 और 48, तो ये सारे उच्च विश्लेषक। इसी प्रकार से दूसरी कैटेगरी है इसमें न्यून विश्लेषक, जिनमें प्राथमिक पोषक तत्व की कुल मात्रा 25% से कम होती है, कौन का, अमोनियम सल्फेट 21%, नाइट्रोजन, सोडियम नाइट्रेट 16% नाइट्रोजन,
सिंगल सुपर फास्फेट 16% फास्फोरस, केनाइट इसमें पोटास होता है 18.9%। ये कौन से हैं भैया? न्यून विश्लेषक उर्वरक। इनमें प्राथमिक पोषक तत्वों की मात्रा 25% से कम है। दूसरा क्लासिफिकेशन हम पढ़ेंगे, उससे पहले हमको मोटा मोटी आम जो, हालांकि जानते हो आप लोग सब जिन्होंने उर्वरकों को नहीं देखा है, एक बार हमारी निगाहों से निकाल लें आप। ये यूरिया का फोटो देख ले आप, इस प्रकार से दानेदार सफ़ेद रंग का यूरिया है भैया। ये क्या है? म्यूरेट ऑफ पोटास है, बिल्कुल नमक मिर्ची का मसाला जैसा होता है ना, अपना नमक मिर्च का मसाला बनाते हैं मोटा मोटा, उस प्रकार का मसाला का रंग होता है म्यूरेट ऑफ पोटास। इसको पोटेशियम क्लोराइड भी कहते हैं। और ये क्या है? ये सिंगल सुपर फास्फेट कह दो, डबल सुपर फास्फेट कह दो, मिलता जुलता सा होता है, ज़्यादा अंतर नहीं है, खुद दाने के आकार में अंतर होता है, तो सुपर फास्फेट कह सकते हो। और ये सुपर फास्फेट भी, हालांकि तीनों की फोटो में आपको दिखाऊंगा अगली पिक्चर में, तो ये हो गया फास्फोरस वाला, ये हो गया यूरिया वाला, ये हो गया पोटास वाला, है नाइट्रोजन वाला यूरिया, फास्फोरस वाला जो है आपका सिंगल सुपर फास्फेट, डबल सुपर फास्फेट, ये दोनों एक जैसे होते हैं, और तीसरा पोटास वाला, म्यूरेट ऑफ पोटास की फोटो दिखाइए पहचानने के लिए आपको केवल मात्र। अब देखो ये तीनों आगे, सिंगल सुपर फास्फेट, डबल सुपर फास्फेट और ट्रिपल सुपर फास्फेट, इन तीनों की फोटो दिखाई है मैंने। सिंगल सुपर फास्फेट में 16% फास्फोरस होती है, इसमें डबल में डबल हो गई 32 से 34% होती है, इसमें ट्रिपल हो गई 46 से 48% होती है। क्या फास्फोरस है? 16, 16 दून 32, 16 38, इस प्रकार से फास्फोरस की मात्रा पाई जाती है तीनों में। ध्यान रखो आप तो, सिंगल सुपर फास्फेट, डबल सुपर फास्फेट और ट्रिपल सुपर फास्फेट है, तो इसमें 16% फास्फोरस बिल्कुल पाई जाती है। पर इसमें एक इंपॉर्टेंट चीज याद रखना, कई बार परीक्षाओं में पूछा जाता है सिंगल सुपर फास्फेट में जो है एक गंधक और पाया जाता है। गंधक का बहुत महत्व होता है फसलों में, तिलहनी फसलों में तेल की मात्रा को बढ़ाता है, दलहनी फसलों में प्रोटीन की मात्रा को बढ़ाता है। मात्रा के बढ़ाने के अलावा ये गुणवत्ता को भी इम्प्रूव करता है। इसके अलावा सिंगल सुपर फास्फेट में कैल्शियम भी होता है जो बहुत अच्छा मृदा सुधारक होता है। तो ये पूरा ही उर्वरक मृदाओं के लिए बहुत अच्छा रहता है। फास्फोरस का उर्वरक डालना हो तो सिंगल सुपर फास्फेट बढ़िया रहता है। सिंगल सुपर फास्फेट बनाते कैसे हैं? सिंगल सुपर फास्फेट बनता है फैक्ट्री में, बनता है रॉक फॉस्फेट से बनता है। ये तीनों ही रॉक फॉस्फेट से बनते हैं, जो खदानों से निकलती है रॉक फॉस्फेट उससे बनते हैं, और रॉक फॉस्फेट पर सल्फ्यूरिक अम्ल H2SO4 से क्रिया कराते हैं, तो क्या बनता है? सिंगल सुपर फास्फेट। क्या बनता है? सिंगल सुपर फास्फेट बनता है रॉक फॉस्फेट पर सल्फ्यूरिक अम्ल की क्रिया से, SSP बनता है। इसके बाद डबल सुपर फास्फेट जिसमें 34% होती है, और तीसरा है ट्रिपल सुपर फास्फेट है, इसमें 46 से 48% सही है फास्फोरस होती है, कैल्शियम होता है 14% करीब, और कुछ गंधक भी होता है, और इसको बनाया जाता है वही रॉक फॉस्फेट पर फास्फोरिक अम्ल की क्रिया के द्वारा। उसको तो बनाया था रॉक फॉस्फेट पर सल्फ्यूरिक अम्ल की क्रिया के द्वारा सिंगल सुपर फास्फेट और ट्रिपल सुपर फास्फेट रॉक फॉस्फेट पर फॉस्फोरिक अम्ल की क्रिया द्वारा। ठीक है, ये दोनों चीज याद रखनी है, इसलिए आपको बताया मैंने आपको। अब हम ये, हमने एक क्लासिफिकेशन अभी पढ़ा है, बीच में उर्वरकों की फोटो देखने के लिए मैंने डाला था, अभी एक ही क्लासिफिकेशन पढ़ा हमने जो है प्राथमिक पोषक तत्वों की प्रतिशत मात्रा के आधार पर। तो एक तो उच्च विश्लेषक और एक न्यून विश्लेषक उर्वरक। अब अगला क्लासिफिकेशन पढ़ेंगे हम प्राथमिक पोषक तत्वों की गिनती के आधार पर। गिनती मतलब एक ही पोषक, प्राथमिक पोषक तत्व है यूरिया है, एक ही होता है, डीएपी में दो होते हैं, नाइट्रोजन भी और फास्फोरस भी है, तो इस प्रकार से क्लासिफिकेशन पढ़ेंगे जिसमें प्राथमिक पोषक तत्वों की गिनती के आधार पर क्लासिफिकेशन करेंगे हम। प्राथमिक पोषक तत्वों की गिनती के आधार पर नंबर वन सरल उर्वरक जिनमें एक ही प्राथमिक पोषक तत्व पाया जाता है, इनको क्या बोलते हैं? सरल बोलते हैं। इनके क्या क्या उदाहरण देख लो आप, इनके उदाहरण क्या क्या है, इसका हो गया एक तो यूरिया, ये क्या हो गया सिंगल सुपर फास्फेट, एक ही पाया जाता है, और डबल सुपर फास्फेट, और पोटेशियम क्लोराइड या म्यूरेट ऑफ पोटास, पोटास ही है, या K2SO4 सल्फेट ऑफ पोटास है, ये सारे क्या है भैया? ये उदाहरण नहीं होंगे, इससे कोई बात नहीं, आप लिख लो सिंगल
प्राथमिक पोषक तत्व वाले उर्वरक क्या हो गए, सरल उर्वरक एक पोषक तत्व वाले, इनको स्ट्रेट फर्टिलाइजर भी कहते हैं। क्या बोलते हैं इनको? स्ट्रेट फर्टिलाइजर भी कहते हैं। जिनमें एक पोषक तत्व पाया जाता है उनको क्या बोलते हैं? स्ट्रेट फर्टिलाइजर, मतलब एक टारगेट वाले उर्वरक, स्ट्रेट फर्टिलाइजर। दूसरे उर्वरक होते हैं जिनमें, जिनको जटिल या यौगिक कहते हैं, और इनमें एक या एक से अधिक, जटिल यौगिक क्या होगा, एक से अधिक पोषक तत्व, प्राथमिक पोषक तत्व पाए जाएंगे। प्राथमिक पोषक तत्वों की बात करेंगे तो एक तो अपूर्ण, एक है पूर्ण, अपूर्ण में तो दो पाए जाएंगे, दो प्राथमिक पोषक तत्व वाला तो अपूर्ण हो गया, अपूर्ण जटिल, और पूर्ण जटिल में हो गया तीनों पाए जाएंगे, तीन ही तो प्राथमिक पोषक तत्व है, हैं एनपी के, जिसमें दो पाए गए उनको अपूर्ण जटिल, और जिसमें तीनों पाए गए उसको पूर्ण जटिल। सिंपल सी बात है, तो ये जटिल तो है ही, जटिल को क्लासिफाइड कर दिया अपूर्ण जटिल और पूर्ण जटिल। तो दो प्राथमिक पोषक तत्व किसे पाए जाएगा, देखो एक तो पाएगा डीएपी में, डाई अमोनियम फास्फेट, मोनो अमोनियम फास्फेट, पोटेशियम नाइट्रेट, पोटास और नाइट्रोजन नाइट्रो फास्फेट, ये दोनों पाए गए भैया। डीएपी की बात की अपने पर भी है, 46% फास्फोरस 16% नाइट्रोजन पाई जाती है इसमें डीएपी में। फिर पूर्ण जटिल जिसमें तीनों पोषक तत्व, प्राथमिक पोषक तत्व पाए जाएंगे, उनको क्या कहेंगे भैया? वो इस प्रकार के उर्वरक होते हैं जो नाइट्रो फास्फेट पोटास कॉम्बिनेशन पर के मिलते हैं, 15:15:15 या 8:8:8 इस प्रकार के जटिल मिलते हैं, पूर्ण जटिल जिनमें तीनों होते हैं एन पी के। और तीसरा एक और होता है इसमें सरल जटिल, और तीसरा होता है भौतिक मिश्रण। भौतिक मिश्रण से तात्पर्य है दो उर्वरक बाजार से लाए गए, दो या तीन उर्वरक अलग अलग बाजार से खरीद के लाते हैं और घर पर लाकर भौतिक रूप से उनको मिलाकर उनको खेत में बुरकते हैं, छिड़कते हैं या उनका यूज करते हैं, इनको कहेंगे भौतिक मिश्रण। क्या कहेंगे? भौतिक मिश्रण या मिश्रित उर्वरक, दो या दो से अधिक उर्वरकों को उचित अनुपात में मिलाकर भौतिक मिश्रण मिलाकर, दो या तीन उर्वरक के मतलब अलग अलग कट्टे लिया है बाजार से खरीद के, एक तो यूरिया लिया है, एक सिंगल सुपर फास्फेट लिया है, और एक आपका या तो केसीएल लिया, म्यूटा पोटास लिया है, तीन अलग अलग उर्वरक आ गए। अब तीनों को उचित अनुपात में मिलाकर खेत में प्रयोग करना है, सीधी सी बात है, इसको भौतिक मिश्रण कह देंगे। क्या कह देंगे? भौतिक मिश्रण। इसमें एक दो सावधानियां बरतनी है, वो क्या सावधानियां बरतनी, देखो आप सोडियम नाइट्रेट, पोटेशियम नाइट्रेट, यूरिया, किसान खाद में सुपर फास्फेट कभी भी नहीं मिलाते हैं क्योंकि इसमें केमिकल रिएक्शन हो सकती है। सोडियम नाइट्रेट, पोटेशियम नाइट्रेट, यूरिया किसान खाद में क्या नहीं मिलाते हैं? सुपर फास्फेट को कभी भी नहीं मिलाते हैं, सिंगल सुपर फास्फेट को कभी नहीं मिलाएंगे। ऐसे ही अमोनियम सल्फेट किसान खाद और अन्य अमोनिया युक्त उर्वरकों में चूना कभी नहीं मिलाना चाहिए, चूने को नहीं मिलाते हैं, हैं? ये अपवाद है, मतलब इस प्रकार का मिलाने से कोई केमिकल रिएक्शन हो सकती है, इसलिए नहीं मिलाते हैं। अब हम अलग अलग प्राथमिक पोषक तत्व वाले उर्वरकों की चर्चा करेंगे, नाइट्रोजन वाले, फास्फोरस वाले और पोटास वाले, अलग अलग की बात करेंगे। तो सबसे पहले हम लेंगे नाइट्रोजन वाले उर्वरकों की बात करेंगे, नाइट्रोजन युक्त उर्वरक। और नाइट्रोजन युक्त उर्वरक भी चार प्रकार के होते हैं, चार वर्गों में बांटा गया है। क्यों? एक तो वो उर्वरक जिनमें नाइट्रोजन नाइट्रेट के रूप में पाई जाती है, एक वो उर्वरक जिनमें नाइट्रोजन अमोनिकल के रूप में पाई जाती है, एक वो उर्वरक जिनमें नाइट्रोजन अमाइड के रूप में पाई जाती है, और ये एक वो उर्वरक जिसमें नाइट्रोजन नाइट्रेट भी और अमोनिकल दोनों अवस्थाओं में पाई जाती है। तो हम इनकी सबसे पहले बात करेंगे नाइट्रेट वालों की। सोडियम नाइट्रेट 16% नाइट्रोजन होती है, दोनों बात यहाँ परसेंटेज का पता पड़ जाएगा, हैं? दूसरा कैल्शियम नाइट्रेट 15% नाइट्रोजन होती है, ये नाइट्रेट वाले उर्वरक। दूसरा अमोनिकल, कुछ फसलों में पता है नाइट्रेट, धान की फसल में नाइट्रेट उर्वरकों का प्रयोग नहीं करते हैं, अमोनिकल उर्वरकों का प्रयोग करेंगे, तो अमोनिकल वाले, क्योंकि पौधे नाइट्रोजन को या तो नाइट्रेट के रूप में रहते हैं या अमोनिकल के रूप में लेते हैं, दो तो अवस्थाओं में पौधे अवशोषित करते हैं नाइट्रेट और अमोनिकल।
अमोनिकल वाले की बात करेंगे तो अमोनियम सल्फेट जिसमें 21% नाइट्रोजन होती है, साथ में गंधक भी पाया जाता है, जो साथ में पाया जाता है उसका भी याद रखना है। ये भी कई बार पूछ लिया जाता है अमोनियम सल्फेट में गंधक की मात्रा कितनी होती है, क्योंकि गंधक इम्पोर्टेंट कंपोनेंट है। क्या है ये? द्वितीयक पोषक तत्व है। कौन सा है? CMGS द्वितीय पोषक तत्व है। S द्वितीयक पोषक तत्व है, प्राथमिक पोषक तत्व NPK, द्वितीयक पोषक तत्व कैल्शियम मैग्नीशियम सल्फर, इसके बाद निर्जल एनहाइड्रस अमोनिया, अमोनियम क्लोराइड 26% नाइट्रोजन, अमोनियम सल्फेट दोबारा आ गए वही था 21% नाइट्रोजन और 24% गंधक पाया जाता है। अब बात करेंगे अमोनिकल और नाइट्रेट युक्त उर्वरक, ऐसे उर्वरक जिसमें दोनों पाए जाएंगे हैं, उसमें कौन कौन से आएंगे? देखो अमोनियम सल्फेट नाइट्रेट जिसमें 26% होती है, कैल्शियम अमोनियम नाइट्रेट जिसको कैन कहते हैं, किसान खाद कहते हैं, सोना खाद कहते हैं, नाइट्रो चाक कहते हैं, कई नाम है इसके किसान खाद के, कैल्शियम अमोनियम नाइट्रेट जिसको कैन कहते हैं, किसान खाद कहते हैं, सोना खाद कहते हैं, नाइट्रोचाक कहते हैं, 26% नाइट्रोजन होती है। क्या होती है? 26% नाइट्रोजन, थोड़ी सी कैल्शियम और मैग्नीशियम भी इसमें पाया जाता है। तो ये उर्वरक हो गए कैल्शियम ओ सॉरी अमोनियम और नाइट्रेट वाले। अब अगला करेंगे अमाइड वाले उर्वरकों की बात करेंगे, और अमाइड में सबसे इंपॉर्टेंट क्या है? यूरिया 46% नाइट्रोजन, कैल्शियम साइनामाइड 21% नाइट्रोजन, गंधक लेपित यूरिया में 36% नाइट्रोजन होती है जिसमें गंधक लेपित। अब बात करेंगे फास्फोरस वाले उर्वरकों की, और फास्फोरस वाले उर्वरकों की जो क्लासिफिकेशन है वो उसकी घुलनशीलता के आधार पर किया गया है, क्योंकि ये सारे के सारे उर्वरक जल में नहीं घुलते हैं, कुछ तो साइट्रिक अम्ल में भी नहीं घुलते हैं, हैं तो उनकी घुलनशीलता कैसी है, उपलब्धता कैसी रहेगी, उस उपलब्धता के घुलनशीलता के आधार पर जो है फास्फोरस वाले उर्वरकों को तीन भागों में बांटा गया है। वो कौन कौन से हैं देखिए आप। नंबर वन, जल में विलेय फास्फोरस युक्त उर्वरक, वो उर्वरक जो जल में घुल जाते हैं, पानी में घुल जाते हैं, नंबर वन। दूसरे, साइट्रिक अम्ल में विलेय और जल में अविलेय होते हैं, ये जल में अविलेय है। और तीसरे होते हैं, जल और साइट्रेट अम्ल दोनों में ही अविलेय होते हैं, दोनों में नहीं घुलते हैं। तीसरा, तो हम पहले बात करेंगे पहले जल में विलेय और फास्फोरस युक्त उर्वरक। SSP सिंगल सुपर फास्फेट 16% फास्फोरस, 11% गंधक इंपोर्टेंट, हालांकि इसमें कैल्शियम भी पाया जाता है 19.5%, ज्यादा इंपोर्टेंट 11% गंधक पाया जाता है, याद रख लें आप। ट्रिपल सुपर फास्फेट में पता है 46 से 48% फास्फोरस पाई जाती है, 4% गंधक भी होता है और 14.3% कैल्शियम भी होता है। मोनो अमोनियम फास्फेट MAP जिसमें 48% फास्फोरस होता है, और DAP में 46% फास्फोरस होता है, हैं थोड़ी बहुत दोनों में ही नाइट्रोजन भी पाई जाती है, इसमें 18% और इसमें 11%। इस प्रकार से डाई MAP और DAP, मोनो अमोनियम फास्फेट और डाई अमोनियम फास्फेट हैं, मिलते जुलते हैं, केवल मोनो और डाई का ही अंतर है। इसके बाद करेंगे ऐसे उर्वरक जो जल में भी नहीं घुलते और साइट्रिक अम्ल में भी, सॉरी वो तो बात करिए अपन ने पहले जल विलेय की बात करी अभी अपन ने, अब बात करेंगे साइट्रेट अम्ल में विलेय लेकिन जल में अविलेय। डाई कैल्शियम फास्फेट अस्थि चूर्ण हड्डियों के चूरे से बनने वाला उर्वरक, डाई कैल्शियम फास्फेट, कौन सा डाई कैल्शियम फास्फेट कहां से बनता है? ये हड्डियों के चूरे से बनता है, इसमें 34% फास्फोरस होता है, थोड़ा कैल्शियम भी पाया जाता है, हड्डियों का चूरा है कैल्शियम तो होगा ही होगा, है 34% फास्फोरस है। दूसरा है क्षारकीय धातु मल बेसिक स्लेग, इसमें भी 14.18% फास्फोरस होता है। अब थोड़ा सा आपको इसके बारे में बता दूं मैं, ये बेसिक स्लेग क्या होता है, बेसिक स्लेग क्या होता है, क्षारकीय धातु मल कहते हैं हिंदी में, धातु मल इससे लग रहा है आपको, धातु मल यानी धातुओं का अवशेष। स्टील की फैक्ट्रियों में, लोहे की फैक्ट्रियों में,
जो वहां की मिट्टी होती है, लोहे के फैक्ट्रियों की मिट्टी, वो एक तरह का बेसिक स्लेग है। उसमें काफी सारा आयरन होता है, लोहा होता है, उसमें मिल गया। उसमें जो जैसे लोहे की फैक्ट्री में जो काम चलता है तो बारीक बारीक जो बुरादा उड़ता है लोहे का, वो मिट्टी में मिलता रहता है, और वो ही बेसिक स्लेग है भैया। क्या है? बेसिक स्लेग है। उसको उर्वरक के रूप में काम में लेते हैं और उसमें फास्फोरस की मात्रा पाई जाती है 14%, थोड़ा सा गंधक भी होता है। तो दो ये हो गए जो कि साइट्रेट अम्ल में तो विलय होते हैं लेकिन जल में अविलय होते हैं। क्या क्या? एक तो बेसिक स्लेग और एक हड्डी के चूरे से बनने वाला डाई कैल्शियम फास्फेट। अब तीसरे पे आ गए अपन, दोनों में ही अविलय, जल में भी और साइट्रेट में, जल में भी और साइट्रेट अम्ल में दोनों में ही अविलय होते हैं, और वह है भैया रॉक फॉस्फेट। हालांकि रॉक फॉस्फेट से ये बनाए हैं, सिंगल सुपर फॉस्फेट, डबल सुपर फॉस्फेट सब कहीं से बने? रॉक फॉस्फेट से बने, अम्ल से क्रिया करा के फैक्ट्री में बढ़ते हैं। परंतु रॉक फॉस्फेट खुद को अगर डालेंगे, ये भी उदाल सकते हैं उर्वरक के रूप में, तो ये क्या है भैया? दोनों में अविलय है रॉक फॉस्फेट। 25-35% फास्फोरस पाई जाती है इसके अंदर, और दूसरी है हड्डी की खाद जिसमें 20% फास्फोरस पाई जाती है। हड्डी की खाद भी दोनों में ही नहीं मिलती है, हड्डी का चूरा, ये दोनों में ही अविलय है। इस प्रकार से फास्फोरस का क्लासिफिकेशन किया आपने, उसकी घुलनशीलता, उसकी विलयता के आधार पर। और अब हम लेंगे अगला पोटास वाले उर्वरक। कौन से लेंगे? पोटेशियम युक्त उर्वरक, और इनको दो भागों में बांटा है, एक तो क्लोराइड वाले और एक बिना क्लोराइड वाले। क्लोराइड के आधार पर बांटा है इनको, एक तो क्लोराइड युक्त और एक बिना क्लोराइड वाला पोटास का उर्वरक। तो क्लोराइड वाला तो कौन सा है? पोटेशियम क्लोराइड। कौन सा है? क्लोराइड वाला तो कौन सा है भैया? पोटेशियम क्लोराइड। इसको म्यूरेट ऑफ पोटास कहते हैं, सुन लो ध्यान से, KCl MOP एक ही बात है। पोटेशियम क्लोराइड कहो चाहे म्यूरेट ऑफ पोटास कहो, क्या कहो? म्यूरेट ऑफ पोटास कहें चाहे पोटेशियम क्लोराइड कहें, एक ही बात है। और इसमें 58-60% पोटास होता है। 58-60% क्या होता है? पोटास पाया जाता है KCl में। KCl में, पोटेशियम क्लोराइड में। अब पोटेशियम क्लोराइड उर्वरकों की पता बात कब करते हैं? तंबाकू की फसल में पोटास का बहुत महत्व होता है। तंबाकू की फसल में पोटास का बहुत महत्व होता है, पोटास जरूरी होता है। तंबाकू की फसल में जो धूम्रपान के लिए उसकी पत्तियां काम आती है, उसमें पोटास का बहुत महत्व होता है। लेकिन पोटेशियम क्लोराइड बिल्कुल नहीं डालते हैं उसमें, क्योंकि पोटेशियम क्लोराइड डाल देते हैं तो उसकी पत्तियां बहुत कठोर और जर्डी हो जाती है, अच्छी धूम्रपान वाली पत्तियां नहीं मिलती है उससे। इसलिए उसमें पोटेशियम सल्फेट का प्रयोग किया जाता है। कौन सा? सल्फेट ऑफ पोटास या पोटेशियम सल्फेट का प्रयोग किया जाता है। किसमें? तंबाकू की फसल में, पत्तियों की गुणवत्ता को अच्छा करने के लिए है? तो हमने पहला पढ़ा है क्लोराइड युक्त उर्वरक पोटेशियम क्लोराइड, दूसरा लिखेंगे क्लोराइड रहित जो कि पोटेशियम सल्फेट है, क्लोराइड नहीं है इसमें है? इसमें भी 48% पोटास है। कितना है? 48% पोटास है, 17-18% गंधक। दूसरा है पोटेशियम मैग्नीशियम सल्फेट भी है, इसमें 22% पोटास पाया जाता है और मैग्नीशियम भी पाया जाता है। ये हो गया क्लोराइड रहित पोटेशियम उर्वरक। ये भैया अब देखो इंपॉर्टेंट चीज, अब ये डिपेंड करता है कि हमारी भूमियां अम्लीय या क्षारीय है। हमारे राजस्थान में हम जो उर्वरक काम में लेंगे वो हमारे लिए बढ़िया है, अम्लीय प्रभाव वाले उर्वरक हमारे लिए ज़्यादा अच्छे हैं, क्षारीय, क्योंकि हमारे तो लवणीय क्षारीय मृदाएं पहले से ही है, इसलिए हमारी राजस्थान की मृदाओं में अम्लीय प्रभाव वाले उर्वरक बेटर रहते हैं है? तो अब ये पता कैसे पड़े कौन से अम्लीय है और कौन से जो है क्षारीय प्रभाव वाले उर्वरक हैं, इनकी चर्चा करेंगे हम। अम्लीय प्रभाव वाले उर्वरक जिनका प्रभाव अम्लीय होता है, यानी वो क्षारीय भूमियों में या हमारे यहाँ की भूमियों में डाले जा सकते हैं। अम्लीय प्रभाव जिनका प्रभाव अम्लीय होता है, यानी अम्लीय होगा तो लवणीय क्षारीय भूमि में डालेंगे ना उसको, इसलिए अमोनियम क्लोराइड ज्यादा अम्लीय प्रभाव डालता है। किससे? अमोनियम सल्फेट से।
और अमोनियम सल्फेट से कम यूरिया डालता है अम्लीय प्रभाव, उससे कम डीएपी डालता है, उससे कम डाई कैल्शियम फास्फेट अम्लीय प्रभाव डालते हैं, या यूँ कह सकते हो डाई कैल्शियम फास्फेट से ज़्यादा तो डीएपी अम्लीय प्रभाव, डीएपी से ज़्यादा यूरिया, यूरिया से ज़्यादा अमोनियम सल्फेट, अमोनियम सल्फेट ज़्यादा अमोनियम क्लोराइड, यानी एक तरह से अमोनियम अमोनियम जो होता है वो क्या प्रभाव डालता है, अम्लीय प्रभाव डालता है। कौन? अमोनियम, जो नाइट्रोजन का अमोनियम अवस्था है, अमोनियम वाले उर्वरक है वो क्या प्रभाव डालते हैं, अम्लीय प्रभाव डालते हैं। तो ये हमारे राजस्थान के लिए उपयुक्त उर्वरक है एक तरह से, क्योंकि इनका प्रभाव अम्लीय होता है और हमारे यहाँ की ज्यादातर भूमियां लवणीय क्षारीय है। दूसरे उर्वरक है क्षारीय प्रभाव वाले, क्षारीय प्रभाव वालों को मैं उल्टा चालू करता हूँ। देखो बोन मील से ज़्यादा प्रभाव क्षारीय बेसिक स्लेक का, बेसिक स्लेक से ज़्यादा कैल्शियम नाइट्रेट का, कैल्शियम नाइट्रेट से ज़्यादा पोटेशियम नाइट्रेट का, पोटेशियम नाइट्रेट से सोडियम नाइट्रेट और सोडियम नाइट्रेट से कैल्शियम साइनामाइड, यानी नाइट्रेट वाले उर्वरकों का प्रभाव क्षारीय होता है जबकि अमोनिकल उर्वरकों का प्रभाव अम्लीय होता है। एक बात तो ये ध्यान रखें। फिर इसमें भी अलग अलग प्रभाव अलग अलग का है। बोन मील हड्डी का चूरा बोन मील को कहते हैं, बोन मील हड्डी का हड्डी की खाद, हड्डी का चूरा बोन मील, और बेसिक स्लेग मैंने कहा ही था आपको, लोहे की फैक्ट्रियों की मिट्टी बेसिक स्लेग है, इनके क्षारीय प्रभाव होते हैं। अब आएंगे भैया उदासीन प्रभाव वाले, कुछ उर्वरक ऐसे हैं जिनका उदासीन प्रभाव होता है, न तो लवणीय है न क्षारीय है। कौन कौन से हैं? एक तो केन खाद है, कैल्शियम अमोनियम नाइट्रेट, उदासीन प्रभाव। एक सिंगल सुपर फास्फेट है, उदासीन प्रभाव। एक म्यूरेट ऑफ पोटास है, उदासीन प्रभाव। एक पोटेशियम सल्फेट, इसको पोटास सल्फेट ऑफ पोटास भी कहते हैं, सल्फेट ऑफ लिखने में गलत आ गया। एक तो पोटेशियम सल्फेट को क्या बोलते हैं, सल्फेट ऑफ पोटास, सल्फेट ऑफ पोटास भी नाम है इसका, सल्फेट ऑफ पोटास। ये उदासीन प्रभाव वाले हैं, है? अब देखिए आगे हम चर्चा करते हैं उर्वरकों में, आगे जब चलते हैं तो हमने अम्लीयता और क्षारीयता प्रभाव देखे, तो अमोनिकल वाले जो उर्वरक थे उनकी अम्लीय प्रभाव होता है। देखो सारे अमोनियम वाले, देखो आप इक्विवेलेंट एसिडिटी अम्लीय उर्वरक जिनका कितनी एसिडिटी, कितना प्रभाव, कितनी अम्लता, वो ये क्रम से दे रखा है, इतना ज़्यादा वही क्रम है यहाँ पर। एम ए पी से ज़्यादा अमोनियम नाइट्रेट में, इससे ज़्यादा डी ए पी में, डी पी से ज़्यादा यूरिया में, यूरिया से ज़्यादा अमोनियम सल्फेट में, अमोनियम से ज़्यादा अमोनियम क्लोराइड में, और इसी ज़्यादा इस प्रकार का क्रम है जो बढ़ते क्रम में ये इस प्रकार का अम्लीयता का, इतनी अम्लीयता का प्रभाव डालते हैं। और ये क्षारीय प्रभाव डालने वाले, कौन से प्रभाव, क्षारीय प्रभाव डालने वाले उर्वरक है। अब इसमें कुछ मुख्य बिंदु है जिनका हम चर्चा करेंगे। हमारे देश में सबसे ज्यादा नाइट्रोजन उर्वरकों में सबसे ज्यादा यूरिया का प्रयोग होता है। कौन से का हो रहा है, यूरिया का प्रयोग। परंतु 1958 तक अमोनियम सल्फेट का प्रयोग होता था। कौन से का, 1958 तक अमोनियम सल्फेट विश्व का प्रमुख नाइट्रोजन उर्वरक था, लेकिन यूरिया के प्रसरण के बाद इसके उपयोग में कमी आ गई। है 1958 तक कौन राजा था, अमोनियम सल्फेट। पता है यूरिया को किंग ऑफ फर्टिलाइजर भी कहते हैं, यूरिया को कहते हैं किंग ऑफ फर्टिलाइजर, आएगा भी कहीं पे। अमोनियम सल्फेट क्षारीय व उदासीन मृदाओं के लिए उत्तम उर्वरक है, हैं? क्योंकि इसका प्रभाव क्या होता है, अम्लीय होता है, इसीलिए क्योंकि मृदा पर अम्लीय प्रभाव होता है। अमोनियम सल्फेट एक आर्द्रता वाही उर्वरक है, खुला छोड़ते ही नमी सोख लेता है, अतः इसको ठंडे और शुष्क स्थानों पर रखना होता है, अमोनियम सल्फेट को ध्यान रखें आप, हैं? अब बात करेंगे, यूरिया एक जो है किंग ऑफ फर्टिलाइजर है, उर्वरकों का राजा कहते हैं यूरिया को, किंग ऑफ फर्टिलाइजर भी कहते हैं। यूरिया में एक समस्या होती है भैया, बाई यूरेट। यूरिया जब फैक्ट्री में यूरिया बन रहा होता है उस समय क्या होता है, यूरिया के दो अणु आपस में जुड़कर बाई यूरिया बना देते हैं, और वो नुकसान करता है पौधों को, फसलों को नुकसान करता है, बाई यूरेट है, बाई यूरेट बन जाता है फैक्ट्री में, यूरिया बनते समय बन जाता है, उसको ध्यान रखना होता है।
तो ये जो बाई यूरेट है ये नुकसान करता है। तो उर्वरकों में अगर आपको पर्णीय छिड़काव करना है तो 0.5% से ज्यादा नहीं होना चाहिए। कितना परसेंट से? 0.5% से ज्यादा नहीं होना चाहिए। अगर छिड़काव पर्णीय छिड़काव करना है, फोलियर स्प्रे करना है तो, और अगर मिट्टी में डालना है तो 1.5% से ज्यादा बाई यूरेट नहीं होना चाहिए। बाई यूरेट सहनीय स्तर है, सहनीय स्तर। मृदा में यूरिया का प्रयोग अपन करते हैं तो 1.5% से ज्यादा बाई यूरेट की मात्रा नहीं होनी चाहिए। और अगर पर्णीय छिड़काव कर रहे हैं यूरिया का, हम पानी में घोलकर छिड़काव कर रहे हैं यूरिया का पर्णीय छिड़काव, तो 0.5% से ज्यादा बाई यूरेट की मात्रा नहीं होनी चाहिए। यह है बाई यूरेट, क्योंकि इसका प्रभाव विषैला होता है, पौधों को नुकसान करता है ये बाई यूरेट। रॉक फास्फेट की बात करी हमने, रॉक फास्फेट खदानों में पाई जाने वाली एक मिट्टी है, जिसे सिंगल सुपर फास्फेट, डबल सुपर फास्फेट, ट्रिपल सुपर फास्फेट बनाया जाता है। सिंगल सुपर फास्फेट तो कैसे बनाते हैं? रॉक फास्फेट को सल्फ्यूरिक अम्ल से क्रिया कराकर। और ट्रिपल सुपर फास्फेट कैसे बनाते हैं? रॉक फास्फेट पर फास्फोरिक अम्ल की क्रिया कराकर, फैक्ट्रियों में बनता है। तो रॉक फास्फेट के भंडार भारत में भी बहुत सारे हैं, परंतु उसकी गुणवत्ता इतनी अच्छी नहीं है, इसलिए SSP का निर्माण नहीं होता है उससे। गुणवत्ता अच्छी नहीं होने के कारण हमारे यहाँ का रॉक फास्फेट सिंगल सुपर फास्फेट बनाने काबिल नहीं है। सिंगल सुपर फास्फेट का निर्माण रॉक फास्फेट पर सल्फ्यूरिक अम्ल की क्रिया के द्वारा होता है। ऐसे ही ट्रिपल सुपर फास्फेट का निर्माण रॉक फास्फेट पर फास्फोरिक अम्ल की क्रिया से होता है, बताया था मैंने आपको। सिंगल सुपर फास्फेट या SSP को 2-in-1 उर्वरक भी कहते हैं, 2-in-1, क्योंकि इसमें फास्फोरस तो होता ही होता है, इसके अलावा गंधक भी पाया जाता है जो बहुत लाभकारी होता है। 11-12% होता है ये, कहीं पे 11 मिल जाता है लिखा हुआ, कहीं पर 12%, ध्यान रखना आप 11 से 12 कर लो इसको, एक जगह 11% था, कोई बात नहीं, 11-12% गंधक होता है काय में, सिंगल सुपर फास्फेट में। सिंगल सुपर फास्फेट को 2-in-1 कहते हैं क्योंकि इसमें 16% तो फास्फोरस है और 11-12% गंधक भी पाया जाता है, और गंधक बहुत लाभकारी होता है फसलों के लिए। तिलहनी फसलों में तेल बढ़ाता है और दलहनी फसलों में प्रोटीन की मात्रा बढ़ाता है। हड्डियों का चूरा जब डालते हैं, हड्डियों की खाद का चूरा अम्लीय मृदाओं तथा दीर्घ अवधि की फसलों के लिए उपयोगी है, क्योंकि इसका प्रभाव क्या होता है? क्षारीय प्रभाव होता है हड्डियों के चूरे का, इसलिए अम्लीय मृदाओं में डालते हैं। और लंबी अवधि की फसलों के लिए, यानी ये धीरे धीरे घुलता तो है नहीं, न तो साइट्रिक अम्ल में घुलता है न जल में घुलता है, तो धीरे धीरे फास्फोरस मिलती रहती है इसकी, किसकी? हड्डियों के चूरे की, इसलिए लंबी अवधि की फसल में डाल सकते हैं। ऐसे ही बेसिक स्लेग या क्षारीय धातु मल एक स्टील उद्योग का उप उत्पाद है, इसको थॉमस फॉस्फेट के नाम से भी जाना जाता है। ये एक नाम और आ गया भैया, थॉमस फॉस्फेट। इसको बेसिक स्लेग को, जो लोहे की फैक्ट्री की मिट्टी बताई थी ना आपको मैंने, उसको थॉमस फॉस्फेट के नाम से भी जाना जाता है। और ये अम्लीय मृदाओं में लाभकारी होता है क्योंकि इसका भी क्षारीय प्रभाव होता है, हड्डियों का चूरे का और बेसिक स्लेग का, दोनों का ही क्षारीय प्रभाव होता है, ये हम चर्चा कर चुके हैं। अब बात करेंगे कुछ और, पोटास के उर्वरकों की बात करेंगे। और पोटास के उर्वरकों में दो इंपॉर्टेंट उर्वरक है, एक तो म्यूरेट ऑफ पोटास, एक सल्फेट ऑफ पोटास। दो ही इंपॉर्टेंट उर्वरक है पोटासों में, कौन कौन सा? एक तो KCl पोटेशियम क्लोराइड और एक K2SO4। ये तो क्या है? म्यूरेट ऑफ पोटास है, ये क्या है? सल्फेट ऑफ पोटास है। याद रखें KCl तो क्या है? म्यूरेट ऑफ पोटास है, और K2SO4 क्या है? सल्फेट ऑफ पोटास है, है? तो सल्फेट ऑफ पोटास और म्यूरेट ऑफ पोटास दो पोटास वाले उर्वरक हैं। इनके प्रयोग के बारे में थोड़ा सा लेंगे अपन। पोटास के लिए अम्लीय मृदाओं में पोटेशियम क्लोराइड, अम्लीय मृदाओं में तो, तथा क्षारीय मृदाओं में पोटेशियम सल्फेट अधिक प्रभावशाली होता है। यानी हमारे यहाँ पर लवणीय क्षारीय मृदाएं पाई जाती है, इसलिए कौन सा लाभकारी है? पोटेशियम सल्फेट। कौन सा?
सल्फेट तो पोटास कह दो चाहे पोटेशियम सल्फेट कह दो, लेकिन लेकिन आर्थिक रूप से सस्ता कौन सा पड़ता है? म्यूरेट ऑफ पोटास। इसलिए भैया हमारे यहां पर ज्यादा से ज्यादा म्यूरेट ऑफ पोटास का प्रयोग किया जाता है, सल्फेट ऑफ पोटास का नहीं, क्योंकि सस्ता पड़ता है आर्थिक दृष्टिकोण से। इसलिए जबकि प्रभाव उल्टा है, ध्यान रख लें आप, प्रभाव उल्टा है। अब अगला हम बात करेंगे म्यूरेट ऑफ पोटास और सल्फेट ऑफ पोटास जो है इसका जो प्रयोग है, इसका तंबाकू की फसल में बहुत इंपॉर्टेंट प्रयोग है इसका। मैं आपको बता दूं एमओपी का प्रयोग तंबाकू और चुकंदर में नहीं करते, इसका कारण भी बताएंगे आपको। तंबाकू की फसल में पोटेशियम क्लोराइड या एमओपी म्यूरेट ऑफ पोटास का प्रयोग नहीं करते हैं, क्योंकि इसका जो क्लोराइड है ये इनकी पत्तियों को जर्डी कर देता है, कठोर कर देता है, खराब कर देता है। और पोटास बहुत जरूरी है तंबाकू की पत्तियों में डालना, खेत में तंबाकू की फसल में देना, क्योंकि पोटास से ही उसकी जो पत्तियों में जो तंबाकू धूम्रपान में जो गुणवत्ता बढ़ाता है वही बढ़ाता है। इसीलिए तो एमओपी का प्रयोग तंबाकू और चुकंदर में नहीं किया जाता है। खड़ी फसल में उर्वरकों को डालने की क्रिया को कहते हैं टॉप ड्रेसिंग। क्या बोलते हैं? टॉप ड्रेसिंग। किसी भी खड़ी फसल में उर्वरक को देने की क्रिया को क्या कहते हैं? टॉप ड्रेसिंग कहते हैं। जल विलेय फास्फोरस युक्त उर्वरक ही पौधों को अधिक लाभकारी होते हैं। बिल्कुल सही बात है। जो है फास्फोरस युक्त उर्वरक तीन प्रकार के हैं, जल विलेय, साइट्रेट अम्ल के विलेय और दोनों में ही अविलेय। तो ज़्यादा लाभकारी कौन से हैं? जल विलेय, वो आसानी से उपलब्ध होने वाले जल विलेय फास्फोरस युक्त उर्वरक अच्छे रहते हैं, जो कि एसएसपी सिंगल सुपरफास्फेट डबल सुपरफास्फेट है। पोटेशियम नाइट्रेट एक उर्वरक है, उसको कलमी सोडा या साल्ट पीटर ऑफ नाइट्रेट भी कहा जाता है। फसलों में नाइट्रोजन की सिंचाई की अगर सुविधा है तो फसलों में नाइट्रोजन की आधी मात्रा तो बुआई के समय प्रयोग करते हैं और आधी खड़ी फसल में टॉप ड्रेसिंग के रूप में प्रयोग की जाती है, सिंचाई की व्यवस्था हो तो। और सिंचाई के साथ सिंचाई के पानी में उर्वरकों को मिलाकर अगर दिया जाता है, पानी में घोलकर सिंचाई के पानी के साथ उर्वरकों का प्रयोग किया जाता है तो उसको फर्टिगेशन कहते हैं। इरिगेशन और फर्टिलाइजर को मिला दिया, फर्टिगेशन हो गया। क्या बोलते हैं? फर्टिगेशन है? और उर्वरकों का जो घोल का छिड़काव करते हैं उसको पर्णीय छिड़काव कहते हैं। बुआई से पहले खेत में उर्वरकों का जो प्रयोग करते हैं उसको बेसल ड्रेसिंग कहते हैं। बेसल ड्रेसिंग, बुआई से पहले भूमि में उर्वरकों को डालना, क्या बोलते हैं? बेसल ड्रेसिंग कहते हैं। जो उसके साथ या तो बुआई के साथ डालते हैं या बुआई से पहले डालते हैं। नील हरित शैवाल जैव उर्वरक है जो धान की फसल में प्रयोग किया जाता है। किया था हमने धान की फसल में नील हरित शैवाल, इसके साथ किसके साथ सहजीवन करता है ये नील हरित शैवाल? एक जो है नीलहरी सेवाल का और सहजीवन होता फर्न का, क्या किसका जलीय फर्न होती है और उसके साथ सहजीवन करके नाइट्रोजन का फिक्सेशन करते हैं, तो ये धान की फसल में इसका प्रयोग किया जाता है। यूरिया, यूरिया का सूत्र याद कर लें भैया, NH2CONH2। यूरिया को कैसे लिख सकते हो आप? NH2CONH2, ये यूरिया का फॉर्मूला है भैया, ध्यान रख लें आप, NH2CONH2। और इसमें अगर थोड़ा सा अंतर आ जाए ना, NH2CSNH2 हो गया, अगर ये O की जगह S लग गया तो भैया ये थायो यूरिया हो जाएगा। क्या हो जाएगा? थायो यूरिया हो जाएगा। ये तो यूरिया है, यूरिया का फॉर्मूला ये NH2CONH2 और NH2CSNH2 हो गया, तो क्या हो गया है? थायो यूरिया हो गया। क्या हो गया? थायो यूरिया हो जाएगा। तो यूरिया में जो नाइट्रोजन दी जाती है वो अमाइड के रूप में पौधों द्वारा ग्रहण की जाती है, अमाइड के रूप में होती है नाइट्रोजन।
सोडियम नाइट्रेट मुख्य रूप से क्षारीय प्रकृति का उर्वरक है, इसमें 27% सोडियम होता है, इसलिए इसका उपयोग अम्लीय भूमि में ही करना चाहिए। सोडियम नाइट्रेट का प्रयोग हमारी लवणीय या हमारी राजस्थान की भूमियों में तो बिल्कुल नहीं करते, क्योंकि सोडियम केयर हमारी भूमि की तो बिल्कुल भी नहीं बनती है। हमारी मृदाओं में तो कैल्शियम की आवश्यकता है जो मिट्टियों को भुरभुरी बनाने वाला है। सोडियम तो बिल्कुल नुकसान करता है, क्योंकि लवणीय क्षारीय मृदाओं में तो सोडियम पहले से ही ज़्यादा होता है। कैन की बात करी थी, कैल्शियम अमोनियम नाइट्रेट, जिसको किसान खाद भी कहते हैं, कैन भी कहते हैं, कैल्शियम अमोनियम नाइट्रेट कहते हैं। ये एक आद्रता ग्राही उर्वरक है, नमी को सोखता है, उदासीन उर्वरक है, इसका कोई अम्लीय क्षारीय प्रभाव नहीं होता है, किसान खाद के रूप में जाना जाता है, इम्पोर्टेंट उर्वरक है। सल्फर लेपित यूरिया में 36% नाइट्रोजन होती है। तंबाकू की फसल में देख लो, मैं बात कर रहा था अभी, जो पोटेशियम क्लोराइड का प्रयोग नहीं करते तंबाकू की फसल में, तंबाकू की फसल में पोटेशियम सल्फेट का प्रयोग किया जाता है। क्यों? देखो आप, तंबाकू की फसल में यदि पोटास को निकाल दें तो पत्तियां कागज़ के रूप में जल जाती है। एक बात तो ये कि तंबाकू की पत्तियों में पोटास बहुत ज़रूरी है, अगर तंबाकू की फसल में पोटास को हटा दें तो जो बीड़ी जलाते ना, बीड़ी जलाएं जैसे अपन माचिस से बीड़ी को जलाया, तो जो ही जलाओगे वो पूरी की पूरी जल के होठ तक जलती भी आ जाएगी, होठों को जला देगी आपको, अगर पोटास को हटा दोगे तो। आप एक पोटास बहुत जरूरी है, दूसरा जो है तंबाकू की फसल में पोटास के लिए पोटेशियम सल्फेट का प्रयोग करते हैं, क्लोराइड का नहीं, मोरेट ऑफ पोटास का नहीं, क्योंकि वो उसकी पत्तियों को जर्डी कर देता है, कठोर कर देगा, जलेगी नहीं, कौन, क्लोराइड, इसलिए पोटेशियम सल्फेट का प्रयोग किया जाता है। नाइट्रोजन फास्फोरस और पोटास तीन प्राथमिक पोषक तत्व है NPK, इनका खाद्यान्न की फसलों में जो प्रयोग किया जाता है, अनाजों की फसलों में 4:2:1 में प्रयोग किया जाता है NPK को, NPK 4:2:1, जबकि दलहनी फसलों में 1:2:1 में करते हैं। दलहनी फसलों में नाइट्रोजन मामूली बात डालते हैं शुरुआत के लिए, स्टार्टर के लिए डालते हैं, इसलिए 1:2:1 में डालते हैं। हम जो उन खादों का प्रयोग करते हैं फसलों में, मैन्योर्स का प्रयोग करते हैं फसलों में, FIM का प्रयोग, गोबर खाद है, कंपोस्ट है, गोबर खाद है, कंपोस्ट है, इनको खेत में 1 महीने पहले प्रयोग करते हैं, 4 से 6 सप्ताह पहले, 1 से 1.5 महीने पहले, 1 महीने मान लो, 1.5 महीने मान लो मैक्सिमम, कंपोस्ट को और गोबर की खाद को ध्यान रखें आप, हैं, जबकि खड़ियों को, ऑयल केक्स को, खलियों को प्रयोग करते हैं 15 दिन पहले, 8 से 15 दिन पहले, बुआई से पहले, जबकि गोबर की खाद को, कंपोस्ट को 1 से 1.5 महीने पहले। इसमें महुआ की खड़ी होती है जो बहुत मुश्किल से विखंडित होती है, उसको 2 महीने पहले प्रयोग करेंगे, अगर महुआ की खड़ी डालनी है तो 2 महीने पहले डालोगे आप। और हरी खाद की जो पलटाई करते हैं खेत में, पलटाई करते हैं ना, उसको करते हैं बुआई के 1 से 2 महीने पहले, खरीफ के मौसम में हरी खाद का प्रयोग करते हैं, तो खरीफ का जो बरसात आएगी उसके जायद में इसको उगा लेते हैं, तो बुआई के 1 से 2 महीने पहले खेत में पलटाई कर दी जाती है, हालांकि उसकी अवस्था होती है पुष्पीकरण अवस्था पे पलटाई करते हैं। हमने इसकी चर्चा खाद में किए, मैन्योर्स में किए, हरी खाद कैसे बनाई जाती है, चर्चा कर चुके अपन इसके बारे में। अब कुछ मृदा सुधारक है भैया, मृदा सुधारक बहुत जरूरी है, हमारे राजस्थान की मृदाएं लवणीय क्षारीय है, उनको सुधारने के लिए, लवणीय मृदाओं को तो आसानी से सुधारा जा सकता है, उसमें किसी रसायन की डालने की जरूरत नहीं है लवणीय मृदाओं में, परंतु क्षारीय मृदाओं में आपको जिप्सम डालने की आवश्यकता है, जिप्सम कैल्शियम सल्फेट डालने की आवश्यकता है। तो क्षारीय मृदाओं में प्रयोग किए जाने वाले सुधारक क्या है, जिप्सम कैल्शियम सल्फेट, जिसमें कैल्शियम होता है 18 से 22%। रट लो भैया इसको, खूब आता है क्वेश्चन, कंफ्यूज करता है, कभी तो गंधक पूछ लेता है और कभी कैल्शियम पूछ लेता है। इसमें देख लो आप, इतनी बड़ी रेंज है 18 से 22 और 14 से 18, कैल्शियम तो 18 से 22 और गंधक 14 से 18 पाया जाता है, ध्यान रखें आप। अब कैल्शियम सल्फेट, नाम ही कैल्शियम सल्फेट है, ये फॉर्मूला है,
ये जिप्सम होती क्या है? बीकानेर में सबसे ज्यादा, भारत में सबसे ज्यादा तो राजस्थान में, पूरे भारत का 90% जिप्सम, 90% जिप्सम ऑफ इंडिया राजस्थान में, पूरे भारत का 90% जिप्सम राजस्थान में, और राजस्थान का सबसे ज्यादा बीकानेर में, सबसे ज्यादा खदानें हैं। एक मिट्टी है जिप्सम, एक मिट्टी है वहां की, खदानों की मिट्टी है वो जिप्सम के रूप में खेतों में डाली जाती है, क्योंकि बहुत अच्छी प्रकृति कर देती है, भुरभुरी बनाती है मिट्टी को। कैल्शियम है वो गंधक है, गंधक तो क्या करता है, तेलनी फसलों में तेल की मात्रा बढ़ाता है, प्रोटीन की फसलों में प्रोटीन की मात्रा बढ़ाता है, हैं? कई गंधक के तो कई गुण हैं, पाले से बचाता है गंधक, और कई प्रकार की फसलों में खुशबू पैदा करता है गंधक बहुत, और ये गंधक क्या है, द्वितीयक पोषक तत्व है, हैं? और कैल्शियम क्या है, कैल्शियम भी द्वितीयक पोषक तत्व है, CMGS, कैल्शियम भी द्वितीयक पोषक तत्व है जो कि भूमि को भुरभुरी बनाता है, भूमि की भौतिक दशा को सुधारता है, हैं? कैल्शियम सल्फेट। तो जिप्सम का उपयोग भैया तिलहनी फसलों और दलहनी फसलों में तो उर्वरक के रूप में किया जाता है, जबकि जबकि क्षारीय मृदाओं में भूमि सुधारक के रूप में किया जाता है, ठीक है ना, जिप्सम। और राजस्थान में तो देसी घी है, देसी घी, राजस्थान में तो देसी घी का रूप है जिप्सम, इसीलिए राजस्थान का, राजस्थान सरकार जिप्सम को आधी कीमत पर किसानों को उपलब्ध कराती है, आधी कीमत पर, ठीक है। एक और है क्षारीय मृदा सुधारने का, आयरन पाइराइट, हालांकि हमारे तो बिहार में कहीं होता है और हमारे महंगा भी पड़ता है, इसमें लोहा 22% होता है, 20% इसमें गंधक होता है, इसको क्या पता है नाम है इसका, फूल्स गोल्ड, मूर्खों का सोना है ये, मूर्खों का सोना, नोन एज फूल्स गोल्ड, चमकता है गोल्ड की तरह, सोने की तरह, इसलिए नोन एज फूल्स गोल्ड भी कहा जाता है। यही हमारे राजस्थान की काम की चीज है, क्योंकि हमारे यहाँ अम्लीय मृदाएं तो पाई नहीं जाती, हमारे यहाँ तो क्षारीय मृदाओं की समस्या पाई जाती है। राजस्थान की 10.5 लाख हेक्टर भूमिया लवणीय क्षारीय से प्रभावित है, हैं? अब बात करेंगे हम अब अम्लीय मृदाओं के सुधारक की, हालांकि हमारे काम की चीज तो नहीं है परंतु समस्या तो है ही, सिलेबस में तो है ही। तो अम्लीय मृदाएं जिन क्षेत्रों में पाई जाती है उनको सुधारने के लिए चूने का प्रयोग करेंगे, काहे का प्रयोग करेंगे, चूने का प्रयोग करते हैं, और एग्रीकल्चर लाइम जो चूना होता है वो चूना कैल्शियम कार्बोनेट एक पत्थर होता है, एक्चुअल में क्या होता है, पत्थर होता है, कैल्शियम कार्बोनेट होता है, वो कैल्शियम कार्बोनेट होता है, देखो आप, ये है एग्रीकल्चर लाइम, खेतों में जो काम में लेते हैं चूना, अम्लीय मिट्टियों में सुधारने के लिए चूना पत्थर होता है जो खदानों में मिलता है, माइंस में मिलता है, और निकालकर पत्थर होता है उसको तोड़कर पीस कर खेतों में डाला जाता है, चूना पत्थर, कैल्शियम कार्बोनेट, एग्रीकल्चर लाइम कहते हैं इसको, इसमें कैल्शियम होता है 37 से 40%, ये भूमि की दशा को सुधारेगा भैया, बहुत बढ़िया चूना पत्थर। अब इस चूने से क्या क्या बनते हैं देखो आप, इस चूने से बनता है बिना बूझा चूना, जो मकानों के निर्माण में काम आता है ना पत्थर जला हुआ, उसको क्या भट्टों में पकाकर तैयार किया जाता है, तो जो भट्टों में पका लिया वो हो गया बिना बूझा चूना, कौन सा हो गया बिना बूझा चूना, इसमें भी कैल्शियम 17% होता है। इसके बाद इसको पानी में जब भिगो देते हैं तो इसको भैया क्या बोल देते हैं, बुझा हुआ चूना कह देते हैं, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड हो गए, हाइड्रेटेड लाइम हो गए, ये अलग अलग नाम है, बाकी हमारे काम का तो क्या है, कैल्शियम कार्बोनेट है, ये तो इसलिए बताया मैंने, कई जगह लिखे मिल जाते हैं, कन्फ्यूज करते हैं आपको, इसलिए समझाने की कोशिश की है मैंने। एग्रीकल्चर में कैल्शियम कार्बोनेट काम आता है, एग्रीकल्चर लाइम काम आता है, और ये एक पत्थर है, इस पत्थर को जब सिकाई करके सेकते हैं बट्टों में सेकते हैं तो कैल्शियम ऑक्साइड बन जाता है, बिना बूझा चूना कहते हैं उसको, और जब पानी मिला लेते हैं जो पान की दुकान पर मिलता है गीला गीला, वो बुझा हुआ चूना होता है, या फिर मकान जब बनाते हैं तो पानी मिलो के भिगोते हैं उसको, वो भी बुझा हुआ चूना है। इसी प्रकार से अम्लीय मृदाओं को सुधारने में कैल्शियम मैग्नीशियम कार्बोनेट डोलोमाइट भी काम में लेते हैं, कैल्शियम भी होता है और मैग्नीशियम भी होता है इसमें, कैल्शियम क्लोराइड भी काम में लेते हैं, हैं? एक जिंक सल्फेट भी काम में लेते हैं, जिंक सल्फेट इंपॉर्टेंट, जिंक सल्फेट में सल्फर 14% और जिंक 22 से 36%। एक ये देखो क्या लिखा हुआ है, इसका आपके अभी इससे कोई लेना देना नहीं है चैप्टर से, ये तो कहीं पे मेरे को ऐसे ही इंपोर्टेंट आ गया था, क्योंकि बहुत टॉपिक बहुत इंपॉर्टेंट है राजस्थान का,
बहुत विधानसभा में उठता है क्वेश्चन इसके बारे में, क्या पता कोई जीके में क्वेश्चन पूछ ले आपसे, नील गाय का नाम क्या है, नील गाय का वैज्ञानिक नाम क्या है, बोस लेफस आर्टियो डेक्टाइला, नील गाय का नाम है। नील गाय को जानते हो, खूब जानते हो सब लोग आप, हैं? ब्लू बुल बोलते हैं जिसको, हैं? तो ये था आज आपका उर्वरकों का चैप्टर, आप इसको और दोबारा सुन के बहुत अच्छी तरह याद कर लेना। थैंक यू।